हेलो बच्चों, जैसा कि ये नवंबर का मंथ आ चुका है और आईटी एग्जाम और मेंस की डेट्स और उसके फॉर्म के टाइम आ चुके हैं, तो ये एक ऐसा दौर होता है जिस दौर पे बहुत से चेंजेस आते हैं पैटर्न को लेकर के, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के। तो इस बार आईटीज ने बहुत बड़े बड़े चेंजेस किए हुए हैं और आप तक खबर पहुंच भी गई होगी। इससे मैंने भी सोचा कि इस पे एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाया जाए, जैसे कि कुछ पॉइंट्स एनालिसिस करके मैंने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है। कुछ आईटीज की साइट से है, कुछ और मैक्सिमम पार्ट आईटी की साइट से ही मैंने उठाया। तो क्या इंफॉर्मेशन में क्या चेंजेस हैं? ये एक दौर होता है जब एग्जाम की डेट्स आने वाली होती हैं, तो कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ अच्छे के लिए होते हैं, कुछ बच्चों को सफर करते हैं। तो खैर, ये एक सिस्टम के डिसीजंस हैं, चेंजेस हैं। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि क्या क्या चेंज आए हैं। तो लास्ट तक वीडियो देखिएगा, बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं, हो सकता है आपको नहीं मिले हो अभी तक। तो उस पूरी बात को मैंने जो एनालिसिस किया है उसको ध्यान से देखिए, आपके काम की बात निकल सकती है। सबसे पहली बात आती है, जैसे आप देख रहे हैं, एज लिमिट की। एज लिमिट क्या है? तो जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो लोग, उनकी एज 1 अक्टूबर 2000 के पहले का नहीं होना चाहिए। आपकी ऑफिशियल डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 2000 के बाद की होनी चाहिए, या इंक्लूडिंग दिस डेट, ये डेट भी इंक्लूडेड है। अगर आप 1 अक्टूबर 2000 या उसके बाद का आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप एलिजिबल होते हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं। लेकिन अगर आप एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं तो आपको 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 1995 या उसके बाद की होनी चाहिए, इंक्लूडिंग दिस डेट, ये डेट इंक्लूडेड है आपकी। तो पहला था एज लिमिट का क्या क्राइटेरिया है। ये जनरल क्राइटेरिया था, ये कोई बहुत ये चेंज नहीं है, जनरल क्राइटेरिया मैं बताता चल रहा हूं, ठीक है। उसके बाद आते हैं आप जे एडवांस के लिए कब एलिजिबल होते हैं। तो जे एडवांस के लिए आपकी एलिजिबिलिटी डिसाइड होती है जे मेंस 2025 की परफॉर्मेंस। इसके लिए आपको जे मेंस 2025 का एग्जाम देना होगा। अब जे मेंस में भी एक चेंज आया है, अभी तक कोविड से अभी तक जेई मेंस में किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 30 क्वेश्चन होते थे, 20+10, उस 10 में 5 ऑप्शनल हुआ करते थे, यानी 30 में से आपको 25 क्वेश्चन करने होते थे। अब कोविड जा चुका है तो गाइडलाइन कुछ आई है, तो उसके अकॉर्डिंगली अब आपके 25 ही आएंगे क्वेश्चन और सारे क्वेश्चन कंपलसरी होंगे, यानी कि आपके पास 5 क्वेश्चन की जो ऑप्शनल च्वाइस हुआ करती थी वो आपके पास नहीं हो। ये इस साल में चेंज हुआ, जो कि लास्ट ईयर तक वैलिड था, यानी लास्ट ईयर तक 30 क्वेश्चन आते थे, आपको 25 ही करने होते थे। अब इस साल से वो इसमें नहीं दिया है, इस साल से अब आपके 25 क्वेश्चन आएंगे और आपको 25 कंप्लीट ऑप्ट करने होंगे। अब आते हैं परफॉर्मेंस में। जेई मेन्स 2025 में अगर आप एग्जाम देते हैं और उसमें अगर आप टॉप 2.5 लाख लोगों में आ जाते हैं, 2,50,000 लोगों में अगर आप आ जाते हैं तभी आप जे एडवांस का एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। 2,50,000 में आपको आना होगा तभी आप जे एडवांस के लिए एलिजिबल हैं। हाँ, इसके आगे इसमें जो पॉइंट्स दिए हुए हैं वो पॉइंट्स बता रहे हैं कि जनरल कैटेगरी के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए क्या रिजर्वेशन है, वो एज यूजुअल है, उनमें थोड़ा बहुत चेंजेस होते रहते हैं, तो वो मेजर कंसर्न नहीं हो सकता है। हमारा मेजर कंसर्न उसके सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं जे एडवांस देने के प्रयासों की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट, नंबर ऑफ अटेम्प्ट, ये इस बार का एक बिगेस्ट चेंज है। कई सालों से ये चला आ रहा है कि आप जिस साल 12th अपियर होते हैं आप उस साल एग्जाम दे सकते हैं और उसके एक नेक्स्ट ईयर आप एग्जाम दे सकते हैं, आपको 2 अटेम्प्ट मिलते हैं, तो दोनों कॉन्टिन लगातार ही होने चाहिए। लेकिन इस बार जेई ने अपनी कंडीशन बदली है और इन्होंने डिक्लेयर किया है कि अब आप लगातार 3 अटेम्प्ट दे सकते हैं, ये देने की अनुमति है आपको, और ये तीनों ही कॉन्टिन्यूस होने चाहिए। यानी कि इट मीन्स जिन्होंने 2023 यानी 2023, 2024 और 2025 ये तीन जगह जिन्होंने एग्जाम दिए हुए हैं, तीन किसी साल में एग्जाम दिया हुआ है 12th का या उसके इक्विवेलेंट एग्जाम दिया, तो वही जेई एडवांस के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। माइंड इट, इस चेंज से क्या होगा, कंपटीशन थोड़ा बढ़ने वाला है। कुछ ऐसे बच्चे रहे होंगे जिनको डिजायरेबल आईआईटी नहीं मिल पाया होगा, तो वो आईआईटी नहीं मिल पाया, उन्होंने किसी एनआईटीज वगैरह में एडमिशन ले लिया। लेकिन अब इस न्यूज के बाद अभी भी कुछ मंथ बचते हैं, 4-5 महीने जो बच रहे हैं उसमें वो तैयारी करके अपनी आईआईटी सिक्योर कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कंपटीशन टफ होने वाला है, तो ये मेरी आप सबको सलाह है कि अपनी
पूरी ताकत से लग जाइए, क्योंकि कुछ रिटर्न होकर लोग भी आएंगे जिनको एक नया ऑप्शन मिल गया है, एक और बार अपीयर होने का, तो वो अपनी ताकत पूरी लगाएंगे। इसे सभी को सलाह है, सभी लोग अपनी अच्छी ताकत लगाएं। तो ये अटेम्प्ट जो बढ़ा है, इसमें वही लोग एलिजिबल हैं जिन्होंने 2023, 2024 या कमिंग 2025 में 12th या उसका इक्विवेलेंट एग्जाम देंगे, वो लोग एलिजिबल हो सकते हैं। बट इसमें मैं भी एक कंडीशन बताऊंगा, आईटी की एक प्रेस रिलीज है, उसमें दिया हुआ है, उनके साइट में मेंशन है कि 2022 वाले जिन्होंने 2022 में भी एग्जाम दिया था अंडर सम सर्कमस्टेंसेस, वो भी आईटी में इस साल एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है। क्या कंडीशन है अभी मैं आगे स्लाइड करता हूं, वो बताता हूं, ठीक है। अब इसमें आते हैं, लेकिन आपका थर्ड अटेम्प्ट यानी कि ये जो 2025 का एग्जाम होने वाला है, इसको आप तभी दे सकते हैं जब आपने इसके पहले किसी भी आईआईटी में एडमिशन नहीं लिया हो, किसी भी आईटी में एडमिशन नहीं लिया हो। इसमें यह भी मेंशन है कि आपने आईटी की सीट कोई सिक्योर नहीं की है, आप काउंसलिंग में गए थे, लेकिन अगर आप फिजिकली या ऑनलाइन भी एक्सेप्टेंस दे देते हैं, ऑनलाइन आपने सीट सिक्योर कर ली है, तो भी आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है। इसमें साफ साफ मेंशन है कि आपने तो किसी भी आईटी की सीट को नहीं एक्सेप्ट किया है, यानी किसी भी आईटी में एडमिशन नहीं लिया, तभी आप इस तीसरे अटेम्प्ट या 2022 के लिए एलिजिबल है। अब ये नहीं हो सकता कि आपने अभी 2024 में किसी आईटी में एडमिशन ले लिया, आपके पसंद का नहीं था, बट आपको जो बेस्ट मिला ले लिया, बट आपको लगता है एक मौका और है, मैं अपनी चॉइस का कुछ ले सकता हूं मेहनत करके, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि आपने किसी भी फॉर्म पे 23 में या 24 में या कभी भी आपने आईटी एडमिशन लिया, इन दो सालों में आईटी की सीट सिक्योर की, ऑनलाइन भी एक्सेप्टेंस दे दिया है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो सकते। ये एक मेजर क्राइटेरिया लागू है, तो ये कुछ वो बच्चे होपलेस हो सकते हैं जिन्होंने किसी आईटी में एडमिशन ले लिया था, बट वो किससे बेटर कुछ डिजर्व करते थे या कुछ कारणों से वो उसको अचीव नहीं कर पाए थे। तो खैर, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो कुछ अभी भी ऐसे कम्पिटेटिव बच्चे आएंगे जिन्होंने आईटी में नहीं, किसी एनआईटी में एडमिशन लिया था, तो आईटी में वापस लौटने का अपना एक प्रयास, अपनी एक पूरी ताकत झोंक सकते हैं, तो आप भी तैयार रहिए, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज दिया हुआ, बाकी आपका फिजिक्स केमिस्ट्री में। हाँ, एक चीज यहाँ और जानने वाली है, 75% का जो क्राइटेरिया था 12th में, तो खैर आईआईटी का मैंने जो प्रेस रिलीज है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वहां भी मेंशन नहीं है, और अभी तक लास्ट ईयर तक 75% का क्राइटेरिया था। तो अब यहाँ पे बहुत सी अटकलें चल रही है कि शायद आईआईटी ने मेंशन नहीं किया तो क्राइटेरिया हट गया होगा 75% का, बट इस पे अभी 50-50 का मामला है, क्योंकि जब किसी भी चीज में कोई मॉडिफिकेशन नहीं आता तो उसको एज इट इज प्रीवियसली माना जाता है। तो जहां तक मुझे लगता है कि 75% का क्राइटेरिया अभी भी लागू है, और कुछ एक्सपर्ट्स अपनी बात ये बताते हैं कि उन्होंने मेंशन नहीं किया है तो ये क्राइटेरिया हट चुका है। तो प्लीज माइंड इट, अभी आप जब तक आईटी अपने नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ ना डाले, तब तक आप 75% क्राइटेरिया को मत मानिए। बाकी यहाँ पे दोनों ही अटकलें हैं, मैं ये भी नहीं कहता कि नहीं हटा है, और मैं इस बात पर भी लागू नहीं हूँ कि हट गया है, ठीक है। तो इस चीज को आप मेंटली प्रिपेयर रहिए कि अपने बोर्ड के 75% जो क्राइटेरिया है वो एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो सकता है, क्योंकि उसमें यस या नो ऐसा कोई मेंशन नहीं है, तो इससे आप उसके अकॉर्डिंगली तैयारी अपनी करते रहें अगर आपको 12th बोर्ड एग्जाम में अपियर हो रहे हैं। तो अब बात करते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में, जो आईटी का नोटिफिकेशन था उसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये आईटी की 5th नवंबर 2024 प्रेस रिलीज है, इसमें सारे वही पॉइंट्स लिखे हैं, किस कैटेगरी को कितनी सीट मिलेंगी, टॉप 2.5 लाख में, जो मैंने आपसे बताया 2,50,000 में, जो टॉप मेंस 2025 मेंस एग्जाम के 2.5 लाख टॉपर होंगे उनमें कितनी सीट किसके लिए रिजर्व है, ये पूरी सी सीट है, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वो बाकी आईटी की साइट में अवेलेबल है, राइट। इसके बाद आते हैं हमें जिस बारे में बात करना चाह रहा हूं, वो पॉइंट्स मैं आपके सामने लाता हूं। दिस वन, उसको छोड़ दें, ये आपके पास है, यस, दिस वन, मैं जहां से फोकस करना चाह रहा हूं आप देखिएगा, इस पॉइंट को ध्यान से देखिए,
दिस वन. हाउएवर इफ द एग्जामिनेशन बोर्ड ऑफ क्लास 12th और इक्विवेलेंट डिक्लेयर द रिजल्ट फॉर द एकेडमिक ईयर 2021 एंड 22 आफ्टर सितंबर 21 2022. अगर आपने देखिए ये तो फिक्स है कि 2023 24 एंड 25 में जो लोग 12th एग्जाम देने जा रहे हैं वो एलिजिबल हैं, बशर्ते उन्होंने आईटी में किसी एडमिशन नहीं लिया. लेकिन क्या 2022 में जिन्होंने 12th एग्जाम दिया है 21-22 एकेडमिक ईयर में, क्या वो एलिजिबल है या नहीं? ये बिगेस्ट अपडेट है जो आईटी की साइट में स्ट्रिक्टली मेंशन है. हाँ, वो भी एलिजिबल है अगर उनके बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट 21 सितंबर 2022 के बाद आया हुआ है. ऑफ द बोर्ड हु अपीयर्ड इन क्लास 12th एग्जामिनेशन आर ऑल्सो एलिजिबल टू अपीयर इन जेई एडवांस 2025. इस बात को ध्यान रखिए, अगर आपका रिजल्ट 21 सितंबर 2022 के बाद आया है तो आप इसके लिए तब भी एलिजिबल हैं, क्योंकि तब तक आईटी ने अपने सारे प्रोसेस करवा लिए थे. ठीक है, तो आप उस समय उसका एलिजिबल नहीं हो पाए, तो इसलिए अब आप एलिजिबल हैं. तो माइंड इट, 2022 का भी बच्चा जिसने एग्जाम दिया है और उसका बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट 21 सितंबर 2022 के बाद आया है तो वो भी इस चीज के लिए एलिजिबल है. ये एक बहुत अच्छी अपडेट है, इसको ध्यान रखिएगा. तो इसमें भी कुछ बच्चों का फायदा हो सकता है कि कुछ रिस्पेक्टिव बोर्ड ने लेट रिजल्ट डिक्लेयर किए थे, वो कोविड दौर चल रहा था. ठीक है, अब आगे देखते हैं. अगर आपका रिजल्ट 21 सितंबर 2022 के पहले आ गया देन यू आर नॉट एलिजिबल टू अपीयर इन जे एडवांस 2025, तो आप जे एडवांस 2025 में अपीयर नहीं हो सकते. और यहाँ पे देखिए वही पॉइंट भी लिखा हुआ है जो मैंने कहा था कि अगर आपने किसी भी आईटी में सीट रिपोर्ट की है ऑनलाइन या ऑफलाइन, रिपोर्टिंग एट सेंटर, किसी भी जगह आईटी सीट सिक्योर करने आपने ऑनलाइन या ऑफलाइन रिपोर्ट कर लिया है तो आप जे एडवांस 2025 नहीं दे सकते. ठीक है, तो ये थे कुछ अपडेट्स जो आईटी सबने दिए थे और आगे जो भी अपडेट्स आते रहेंगे वो मैं आपको अपडेट करता रहूंगा. ठीक है, तो प्लीज अब ये टाइम आ चुका है, आपके पास अपडेट्स हैं, चीजें हैं, अपडेट्स आते रहेंगे. दिस इज ऑल नॉट इन योर कंट्रोल, ये आपके कंट्रोल पे नहीं है. तो आप सभी बच्चों को मेरी ये सलाह है कि आप ये जो पीक टाइम आ चुका है इसमें जी जान से तैयारी करिए, अपनी टेस्टिंग अच्छे से करते रहें, क्योंकि सब्जेक्ट नॉलेज इंपॉर्टेंट तो है ही, इसके साथ साथ उसकी एनालिसिस भी जरूरी है. तो टेस्टिंग जरूर करते रहें और अपडेटेड बने रहें. एंड बेस्ट विशेस यू ऑल द बेस्ट, आप लोग अच्छी तैयारी करिए और जहां तक मेरी हेल्प हो सकेगी तो मैं आपसे आपकी हेल्प जरूर करूंगा. ओके, थैंक यू.